और आजकल मैंने भागवत गीता का अध्ययन भी शुरू कर दिया है। मैंने व्लॉग में नहीं बताया, घर में हो रखी है ना, तब मुझे आभास हुआ कि अभिनव तो अपने माँ के साथ अपने मामा कोर जा रखा है, अपने नाना लोगों के घर में जा रखा है, जिस वजह से। और गांव आते सबसे बड़ी समस्या है नेटवर्क की। आ रहा तेरे फोन में नेटवर्क? सबसे पहले हो गई एक खूबसूरत से वीडियो की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। एक महीने के बाद अब मैं कोई व्लॉग बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए, बड़ा व्लॉग, मिनी व्लॉग तो आपने देखे होंगे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। बाकी अभी मैं आया हूँ अपने गाँव और अपने घर में मैं पहुँच गया हूँ और मेरा दोस्त हरदीप भी आया है आज हमारे घर में। ये मुझे ड्रॉप करने आया था अपनी स्कूटी से और कल हम देहरादून से आ गए थे। कल हम रात को चले थे क्योंकि मेरे एग्ज़ाम है और अभी मैं घर में पहुंच गया हूँ, घर में कोई नहीं है। बाकी गांव का मौसम काफ़ी सुहाना सा हो रखा है, एक बार आपको दिखाता हूँ। और जब मैं गांव आता हूँ तभी मैं ब्लॉग बनाता हूँ। और लास्ट टाइम मेरा ब्लॉग तब था जब मैं गाँव से गया था और अब मैंने इतने महीनों बाद, इतने दिनों बाद ब्लॉग बनाया है आज जब मैं घर आया हूँ। बाकी मेरे लगातार 4 पेपर है उत्तरकाशी में और हर दिन मुझे गाँव से ही जाना है। और ये रहा साहिल जिसने अभी हमारे लिए चाय भी बना दिया, थैंक्स साहिल। और हरदीप अभी जा रहा है वापस से अपने घर, तो उसके लिए चाय बनाई थी। और भाई की शादी के बाद अब हरदीप बहुत समय के बाद आया हमारे गांव में, तो ऐसा मस्त सा मौसम हो रखा था तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग ही बना लूं। बाकी इन खेतों में आजकल हल जोतने की तैयारी हो रही है, किसी ने हल स्टार्ट भी कर दिया है क्योंकि अब इन खेतों में ना धान बोई जाएगी कुछ दिन। और गाँव आते सबसे बड़ी समस्या है नेटवर्क की। आ रहा तेरे फोन में नेटवर्क? तो अभी हरदीप मुझे घर तक छोड़ने आया था और अब मैं इसे सड़क पे छोड़ने जा रहा हूँ क्योंकि इसे ना अकेले में डर लग रहा है। खाता है ना तुझे कोई? हरदीप मेरा दोस्त है लेकिन वो दूसरे गांव का है, बगल का ही गांव है सिंगोट। अभी से वहाँ जाना है और कल ये चला जाएगा देहरादून। मैं तो अभी गाँव में ही रहूँगा 2-4 दिन क्योंकि मेरे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए ही मैं घर में आया हूँ। बाकी देखते हैं क्या क्या हो पाता है क्या क्या नहीं। बहुत समय के बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ना क्योंकि आजकल मैं रिकॉर्ड करके वॉइस ओवर करता हूँ तो आदत नहीं पड़ रखी ऐसे लाइव बोलने की, तो मैं कैमरे को फेस ही नहीं कर पा रहा। तू कर पाता है कैमरे को फेस? कैमरे को फेस नहीं, मैं फेस को कैमरा करता हूँ। बिल्कुल, घर में आके सच में सुकून सा फील होता है। तो अभी हम दोनों ने भगवान नरसिंह देवता का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया है और जब भी हम जाते हैं कहीं या आते हैं तो यहाँ पे हमारा मंदिर ऐसे ही स्थान पे बनाया गया है, आते समय भी और जाते समय भी दर्शन हो जाते हैं बाबा नरसिंह देवता के। और अभी पुजारी जी ने हम पे तिलक भी लगा लिया है और हरदीप कह रहा है कि ये पहली बार हमारे गांव के मंदिर में आया है। भाई तू कल जाएगा ना देहरादून? चल मैं देखता हूँ क्या होता है, प्लान आऊँगा। तो दुई बस पर कहाँ बैठे तो बस थाना बैठ दो में। हाँ प्रेस वाले गार्ड करना फिर वापस बात कर दूँ प्रेस हो गए सुबह जाना ही खड़ू होने से अच्छा है बस मैं कोई ना कोई आ गया। चल ठीक है बाय। ओके कॉल करना मुझे पहुँच के। अभी हमारे घर में कोई भी नहीं है, माँ जा रखी है खेतों में जहाँ पे अब हल लगना है वहाँ पे गोबर डालने के लिए। और इतनी शांति हमारे घर में हो रखी है ना, तब मुझे आभास हुआ कि अभिनव तो अपने माँ के साथ अपने मामा कोर जा रखा है, अपने नाना लोगों के घर में जा रखा है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा शांति हो रखी है घर में। और दादी जी भी घर में नहीं है, दादी जी जा रखी है आजकल ताऊजी लोगों के घर में नाकुरी, तो कोई भी नहीं है। अभी मैं और साहिल हैं और मेरे और साहिल की तैयारी हो गई है अभी धार के ऊपर जाने की। गाँव आते ही नेटवर्क का रोना हो जाता है, इंटरनेट बिल्कुल नहीं चलता है, तो थोड़ा इंटरनेट चलाने के लिए जा रहे हैं धार के ऊपर। तो ये है हमारे खेत जिनमें आजकल हल जोता जा रहा है और इनमें थोड़ी दिनों के बाद ना धान बोया जाएगा, तो इन पे 2 बार हल लगता है, एक बार जो गोबर डाला होता है उसे बिछोकर और दूसरी बार में धान बोया जाता है। तो सारे खेतों में अभी गांव के लोग लगे हुए हैं, जो बड़े बड़े ढिंके हैं मिट्टी के पोले हैं उन्हें फोड़ने में, और हमारी तैयारी है वहाँ धार के ऊपर जाने की। तो बहुत समय से मैं YouTube पे ब्लॉग बना रहा हूँ और मैंने जो अपने आप को Instagram पे एक चुनौती दी थी 100 वीडियो बनाने की, वो भी मैंने पूर्ण कर ली है। और आजकल मैंने भागवत गीता का अध्ययन भी शुरू कर दिया है, मैंने ब्लॉग में नहीं बताया। और अब मैं हमेशा मिनी ब्लॉग में एक श्लोक का अध्ययन करता हूँ और उसका अर्थ आपको भी
बताता हूँ, तो ये मैंने परसों से ही शुरू करा है और उसी की रील अपलोड करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। बाकी अभी तक जब धूप थी तो काफ़ी गर्म हो रहा था, अभी धूप चली गई है तो काफ़ी ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा है। और अब चलते हैं घर की ओर, घर में सिर्फ आज मैं और माँ ही हैं क्योंकि अभिनव लोग तो पता नहीं कब आएंगे, मैं अभिनव से इस बार मिल भी पाऊँगा कि नहीं। बाकी अब मुझे अपने पेपर के लिए पढ़ना है थोड़ा, क्योंकि आज का एग्ज़ाम तो थोड़ा अच्छा ही गया, क्योंकि आज के एग्ज़ाम के लिए मैंने थोड़ा ना पहले से पढ़ा हुआ था और जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तभी थोड़ा याद था। बट जो कल का पेपर होना है वो थोड़ा टफ होने वाला है, तो मैं उसकी बुक वहीं देहरादून में भूल गया तो फ़ोन पे मैंने बुक डाउनलोड कर ली है। बाकी चलो अब घर चलते हैं, ठंडा भी हो रहा है और गाँव में आके तो एकदम मस्त सा लग रहा है। और जब भी मैं गाँव में आता हूँ तो यहाँ पे तो मेरे चक्कर लगते ही हैं वीडियो अपलोड करने के लिए, तो अभी साहिल भी मेरे साथ आया था। और अब चलते हैं घर की ओर। तो ठीक, मैं एक महीने के बाद आ रहा हूँ, आज 28 है और मैं पिछले 29 जनवरी को गया था, लगभग लगभग एक महीना हो गया है। और ऐसा लग रहा है और ऐसा लग रहा है ना जाने मैं एक साल के बाद आ रहा हूँ। ऐसे ही होता है गांव से ना, कुछ दिन दूर रहो तो ऐसे ही लगने लगता है, पता नहीं हम कब से आ रहे हो। तो अभी समय हो गया है वापस से घर जाने का, अभी माँ भी आ गई होगी खेतों से। और ललो मेघू अभी शाम के करीब 7:30 हो गए हैं और हमने अंदर अपने चूल्हे में आग भी जला दिया। माँ वहाँ पे चाय बना रही हैं और आज घर में मैं और माँ ही हैं क्योंकि अभिनव तो जा रखा है। हेलो अभिनव, बिगड़ खराब तो लगा कर दिया उन्होंने, तो अभी धुआं धुआं सा हो रखा है और मैं मस्ती आग के साथ चाय का आनंद है। चीनी नहीं थे तो कौन नहीं थे। और अभी मैं चाय पी रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा गांव में जाऊँगा, दुकान से कुछ लाऊँगा सामान। अभी बहुत ज़्यादा भूख मुझे लगी तो मैंने इसी का लोगों के घर पे खाना खाया। सच में अगर आप किसी चीज़ को बीच में छोड़ देते हो ना तो आपको पता ही नहीं चलता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अगर मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करता हूँ तो मेरी मतलब जो ज़ुबान है वो लड़खड़ाती भी नहीं है। आज तो बीच में इतनी बार ज़ुबान लड़खड़ा रही है पहले, तो अभी चाय पीता हूँ, इसके बाद थोड़ा पढ़ना भी है मुझे क्योंकि कल पेपर है, लगातार मेरे पेपर है। और उसके बाद देखते हैं, शादी भी है गांव में, लेकिन शादी के लिए तो मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि उतनी छुट्टी तो मुझे मिली नहीं है।